आज के हम बात करेंगे Realme GT Master Edition जो डिवाइस है। इस डिवाइस के यूजर्स ने अपने डिवाइस को Android 12 और Realme 3.0 ऑफिशियल पर अपडेट तो कर लिया है। अब यहाँ पर वेट करें कि हमारे डिवाइस में Android 13 का अर्ली एक्सेस कब तक देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में सारे को डिटेल शेयर करूंगा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं Realme GT Master Edition डिवाइस के Android 13 बीटा फॉर्म के बारे में बात करें। उससे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर क्लिक करना है। वहाँ पर अभी आपको जो भी अपडेट देखने को मिलता है उसे आपको अपडेट कर लेना है। आपको अपने डिवाइस को लेटेस्ट में अपडेट करके रखना होगा, तभी आपको एंड्रॉइड 13 का अर्ली एक्सेस फर्स्ट टाइम आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एंड्रॉइड 13 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो Realme की ओर से ऑफिशियली कंफर्म तो कर दिया गया है कि आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अर्ली एक्सेस आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो जो Realme का हाई रेंज का फोन था Realme GT 2 Pro 5G उसे यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अर्ली एक्सेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि आपके डिवाइस के भी चांसेस बहुत जल्द बनते हैं कि आपके डिवाइस में भी एंड्रॉइड 13 का अर्ली एक्सेस देखने को मिले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सितंबर मंथ आ रहा है उसमें यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्मेशन हो सकता है। अभी तो कुछ ऑफिशियली कंफर्म डेट प्रोवाइड नहीं हुई है, पर आपको सितंबर मंथ में कुछ भी ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो आपको एक्टिव रहना होगा। एक्टिव रहने का मैं चैनल से जुड़ जाना है ताकि न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख सको। यार आप बात करते हैं कि आपको एंड्रॉइड 13 का अर्ली एक्सेस को अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस अपडेट को मिस कर दीजिएगा, क्योंकि इस बीटा अपडेट के साथ में आपको हीटिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, बैटरी डाउन इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, हैंगिंग इश्यूज एंड और भी कई सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, उन्हें इसके बारे में बात करके जो यूजर्स अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं और एंड्रॉइड 13 अर्ली एक्सेस को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने डिवाइस की सेटिंग सॉफ्टवेयर में जाओगे, राइट कॉर्नर पर सेटिंग आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे और आपको ट्रायल वर्जन पर क्लिक करना है। फिर आपको अर्ली एक्सेस देखने को मिलेगा, उस पर आप टैप करोगे तो वहाँ पर आपको फॉर्म शो होगा जहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा, फिर आपको फॉर्म अंडरव्यू में चले जाएगा। अंडरव्यू में जाने के बाद अप्रूव्ड या फिर पास्ड होगा, जो कि एक दिन के अंदर ही होगा। फिर आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर के सेक्शन में 6GB का आसपास आपको एंड्रॉइड 13 का बीटा अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस छोटी सी वीडियो में यही देखने को मिला था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं, टेक केयर।